होता है, एक तो हेड वर्ड होता है, वो जो खुद वर्ड होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का नाम होता है, देखो वही, यानी मतलब एक तो उसमें इंक्लूडेड होता है, यानी अगर आपको कहा जा रहा है कि नाउन फ्रेज, इसका मतलब कि नाउन तो उसके अंदर होगा। अब फ्रेज से मुराद यानी मुख्तलिफ अल्फाज और भी होंगे, अल्फाज हो सकते हैं कि हम उसको नाउन फ्रेज के तौर पर समझें। तो जितने भी फ्रेजेस हमने पढ़े, जितने भी टाइप्स हमने पढ़े फ्रेजेस के, यानी जो नाम उसको दिया होता है तो वो तो हेड वर्ड होगा। मिसाल के तौर पर नाउन है तो उसके अंदर नाउन होगा, उस इसके साथ इंग्रेडिएंट्स या इसके साथ और कौन से अल्फाज हैं। नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, नाउन के साथ देखो यानी हम डिटरमिनर भी इस्तेमाल करते हैं, हम जो आर्टिकल भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो फ्रेज कैसे बन रहा है नाउन का, भाई एक नाउन है, बुक नाउन हुआ, अब नाउन के साथ डिटरमिनर आर्टिकल इस्तेमाल हुआ, अब बुक नाउन नहीं रहा, फ्रेज हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा अल्फाज हो गए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वही फ्रेज होता है। अब ग्रुप से मुराद ज्यादा नहीं कि 50 अल्फाज हो तब ग्रुप होता है, बेटा दो अल्फाज भी ग्रामेटिकली ग्रुप को कहा जाता है, बस दो से ऊपर तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक से ज्यादा हो उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो आप देखें, अब नाउन हुआ, अब आप बोलेंगे सर इसको फ्रेज कैसे बनाएं, भाई आप देखो नाउन के साथ अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं। अब नाउन के साथ देखो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ, डिटरमिनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव आप देखें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जो मैंने आपको बताया नंबर आप इस्तेमाल करें, तो ये अल्फाज नाउन फ्रेज को कहते हैं, ठीक है। ये अल्फाज कौन से होते हैं हम नाउन फ्रेज से ही स्टार्ट करते हैं, आपको बता दें, आप प्लीज समझे, आप जो वो फोकस करें इन चीजों के ऊपर, तो आपको हर चीज जो वो आराम से समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है बेटा, कोई इसमें देखो मसला नहीं है। अब देखो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के अंदर फ्रेज से मुराद ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब अल्फाज हो, लेकिन उसमें अल्फाज कैसे, सब्जेक्ट और वर्ब निकाल लें बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक्सक्लूड होता है, वो नहीं होता, उसको मतलब फ्रेज कहते हैं, ये बात जहन में रख लो, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, यानी फ्रेज उसी को कहा जाता है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो आप भी जहन में रखें ना कि ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आप देखें, मतलब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर ये लिखते हैं, कंप्यूटर वर्ड है, अब कंप्यूटर क्या हुआ, नाउन हुआ, भाई फ्रेज तो नहीं हुआ, ये नाउन हुआ, क्योंकि जो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिखा हुआ है उस पार्ट ऑफ स्पीच का हमने नाम लिखा है, लेकिन हमने फ्रेज नहीं लिखा है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हमें देखना है कि भाई नाउन के साथ अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं, नाउन के साथ नाउन को कौन से अल्फाज डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, अल्फाज नाउन को वो कौन से हैं, वो जब इसके साथ लगेंगे तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब देखिए नाउन के साथ कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, भाई डिटरमिनर इस्तेमाल होते हैं, नाउन के साथ कौन से डिटरमिनर्स इस्तेमाल होते हैं। अब पता नहीं है डिटरमिनर्स क्या है, मैं असल में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मतलब ऐसा इश्यू नहीं है, अगर आपकी कुछ बेसिक पढ़ी हुई है, इंग्लिश कुछ पढ़ी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कई ऐसे स्टूडेंट्स या सेंटर्स या लोग होते हैं जिनकी ये बच्चों की, करो करो यार ये थोड़ा इम्पोर्टेंट समझाए, रीडिंग द ये बंद करेंगे, आपको एक नाउन दिया है, सिर्फ एक नाउन दिया है, अब ये भी फ्रेज है, ये जो मतलब पढ़ा है ना, ये भी फ्रेज है बेटा, ये भी फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी एक नाउन आप लिखें और उसी नाउन के साथ जो मैंने ये आपको अल्फाज दिए हैं, इनमें से कोई भी अल्फाज या कोई भी वर्ड जो है वो आप नाउन के साथ लगाएं तो वो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, कोई भी इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर चेयर है, ठीक है ना, आप बुक है, या कोई भी मतलब नाउन है, देखो उसके साथ इनमें से कोई भी उठा के आप उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो दो अल्फाज हो जाएं, तीन हो जाएं, वो नाउन फ्रेज हो जाता है, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, देखो ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। तो मेरे ख्याल में नाउन फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो वर्ड होता है, जो हेड होता है, एक हमें वो लिखना है, देखना ही है कि उसके साथ कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं अल्फाज
जो उनके साथ अल्फाज रिक्वायर्ड होते हैं, एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं इस्तेमाल, तो वो अल्फाज उसके उस वर्ड के साथ लगाएंगे, वो आपका हो गया क्या फ्रेज बस। और फिर क्या चीज ना हो उसमें, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, यानी फाइनाइट वर्ब जो होता है वो ना हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, यानी फ्रेज कहते हैं। ये हुआ, ये फ्रेज पढ़ाया। अब आपकी मर्जी, नाउन आप चूज करें, अल्फाज ये दिए हुए, लगाते आए फ्रेज बन, जितने फ्रेजेस बनाए नाउन फ्रेज दिल करे बनाए आप, एक नाउन प्लस आप ये ऐड करें, आपके ये फ्रेजेस हो जाएंगे, ये हुआ आपका नाउन फ्रेज। ओके, अच्छा हो गया, बिल्कुल सही होगा बेटा। अब चलते हैं हम सेकंड पे, यानी एडजेक्टिव फ्रेज पे, ठीक है ना। सेकंड हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, तो बेटा कुछ भी नहीं इनमें, एडजेक्टिव पहले एडजेक्टिव देखो, पहले हम बात करते हैं भाई क्या है जो पार्ट ऑफ स्पीच हो, वो तो हमें पता हो बेटा। एडजेक्टिव जो है वो पहले हमें एडजेक्टिव, खुद एडजेक्टिव अकेला वर्ड जो होता है वो फ्रेज नहीं होता, अकेला जो वर्ड खुद होता है ना वो फ्रेज नहीं होता, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव आपकी मर्जी, कोई भी एडजेक्टिव ले ले, कोई भी एडजेक्टिव ले ले, ठीक है ना। तो आप देखें कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आप देखें ब्यूटीफुल आपने लिया, ठीक है ना बेटा, ब्यूटीफुल लिया, एक वर्ड मैंने रखा है। अब क्या ये फ्रेज है? नहीं, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि वर्ड एक जो है वो फ्रेज नहीं हो सकता, तो वर्ड एक हमने लिखा है ये फ्रेज नहीं है। लेकिन अब हमें देखना है कि इसके साथ कौन से और अल्फाज हम लगा सकते हैं, वो अल्फाज हम पता पड़ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। मतलब कौन से मॉडिफायर्स होते हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा, देखो हम इनके साथ एडवर्ब्स लगा सकते हैं, एडवर्ब्स देखो जो दूसरे जो अल्फाज है ना जो हम ऐड करेंगे, इनके साथ जो अल्फाज ऐड कर सकते हैं, जो मॉडिफिकेशन के लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना इसकी, यानी जो आप देखें वो कौन से आप ऐड क्या करेंगे, ऐड ये अल्फाज आप इनके साथ ऐड करेंगे तो यानी ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। जैसे एडवर्ब्स होते हैं बेटा, क्या ऐड करें, एडवर्ब्स ऐड करें आप, मॉडिफायर एडवर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है, डिटरमिनर्स आपके हो सकते हैं, ये अल्फाज डिटरमिनर्स एडवर्ब्स अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपका ये यानी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, फिर आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। अभी तक ये खाली एडजेक्टिव है, और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बेटा एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है। तो हम क्या कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें एडजेक्टिव के साथ कि वो हमारा क्या बन जाए, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाए। यानी एक एडजेक्टिव तो मैंने लिखा भाई, एडवर्ब्स ऐड करो, एडवर्ब कौन से, एडवर्ब्स आप डिग्री ऐड करो आप, ठीक है, इनके साथ आप ऐड करोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, तो भी बन जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, अगर हम इस्तेमाल करते हैं वेरी ब्यूटीफुल, बेटा बेसिक स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। अब देखो आप बोलते हैं सर हमें दिस भी बताओ क्या हुआ, इस भी कैसे इस्तेमाल होता है, इस क्यों इस्तेमाल हुआ। अब देखो आप ये चीजें आप तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की जो वो पीएमसी की, और मैं अब आप मुझसे ऐसे ऐसे सवाल आप करोगे तो हम आप किस तरीके से पहुंचेंगे, या किस तरीके से मैं ये सारी बातें जो वो हर बात नहीं लगती हमें सेंटेंस के अंदर, कोई प्रॉब्लम होता है। मैं जो बेसिक चीजें आपको यही बता रहा हूँ, अब आप पूछेंगे सर इस क्यों लगा, दिस क्यों इस्तेमाल हुआ, तो फिर ये कैसे काम चलेगा। अब ये फ्रेज बन गया क्योंकि हमने एडवर्ब्स देखे इनमें से इस्तेमाल किया, ठीक है। ब्यूटीफुल इनफ, देखो ब्यूटीफुल इनफ हमने ये इस्तेमाल कर दिया, इनफ भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इनफ जो इधर इस्तेमाल होता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज बन गया आपका, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो आप देखें इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, तो आप डिटरमिनर इस्तेमाल करें, अगर कोई डिटरमिनर इस्तेमाल हो रहा है अगर सूटेबली तो इस्तेमाल करें, या कोई भी एडवर्ब इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आप देखें इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं, ब्यूटीफुली देखो बेटा ब्यूटीफुली, ये देखो एडवर्ब हुआ, ठीक है, ब्यूटीफुली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और कोई भी एडजेक्टिव इसके साथ आप जो है वो ऐड कर सकते हो, कोई भी एडजेक्टिव जो है वो प्लस आप ऐड करेंगे ऐड करोगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो मैंने आपको एक वर्ड दिया है, ठीक है, और उस वर्ड के साथ आप ऐड करें क्या, एडवर्ब्स या डिटरमिनर्स ऐड करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ऐसे अल्फाज या ऐसी चीजें जो आप इस्तेमाल करेंगे, एक मिनट देखें, मिसाल के तौर पर आप देखें बेटा, देखें इस तरीके से, देखें ब्यूटीफुली, या देखो ये सॉरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, देखो ये बन गया आपका,
एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये हमने एडवर्ब इस्तेमाल किया और ये देखो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, ये एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो इनमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें, कोई भी इस्तेमाल आप देखें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखें माई गुड बुक, माई गुड बुक ये इस्तेमाल हुआ, आप बोलेंगे सर ये तो नाउन फ्रेज हुआ। हाँ बिल्कुल नाउन फ्रेज है, लेकिन हमें क्या करना है एडजेक्टिव फ्रेज आप करें। आप देखो आपका ये सॉरी आपका यानी ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया माई गुड, ठीक है। अब ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ये अगर आपको नाउन जो यहां से हटाना पड़ेगा, नाउन हटाना पड़ेगा या नाउन को अंडरलाइन ना करें। माई गुड देखो डिटर्मिनर की मैं बात कर रहा था ना, तो देखो ये डिटर्मिनर हो गया, क्या हुआ ये डिटर्मिनर हुआ। तो जो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करते हैं, अल्फाज जो क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव के साथ, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो बेटा एडवर्ब्स लगते हैं या डिटर्मिनर्स लगते हैं। तो आप देखें माय गुड हो गया, बुक के लिए मैंने लगाया, बुक के साथ माय इस्तेमाल किया, या अ गुड बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यानी इस तरीके से ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो एक एडजेक्टिव वर्ड इनमें से कोई ऐड करें, इनमें से कोई भी ऐड करें। अब डिटर्मिनर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नाउन फ्रेज में बता दिया वो डिटर्मिनर मतलब थे, ठीक है। एडवर्ब्स कौन से आप वेरी इस्तेमाल करें बेटा, टू इस्तेमाल कर सकते हो, इनफ इस्तेमाल कर सकते हो, सो इस्तेमाल कर सकते हो, क्वाइट इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सट्रीमली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, एब्सोल्यूटली इस्तेमाल। आवाज बंद गई, स्टे इंटेक्ट एंड कनेक्टेड प्लीज। तो देखो मतलब एडवर्ब्स ये ऐसे इस तरीके से एक्सट्रीमली एब्सोल्युटली आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स मैंने पहले दे दिए। इनमें से कोई भी एक वर्ड एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे वो हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज, वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने कोई मतलब कोई एक्सपर्टीज नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, पहले लिखा एडजेक्टिव और मैंने इनमें से कोई वर्ड एक जो वो उठाकर यानी एडजेक्टिव के साथ लिखा तो वो आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, बस इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। कितना आसान है देखो, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब आपकी मर्जी, एडजेक्टिव तो आते हैं ना आपको पता है ना, एडजेक्टिव वर्ड तो आने चाहिए, इनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे एक कोई वर्ड मतलब जो मैंने लिखा है बेटा ये डिस्क्रिप्शन दी है तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, समझे। ये हुआ, अब चलते आगे प्लीज। नेक्स्ट देखें सेकंड हमारा नंबर थ्री एडवर्ब फ्रेज बेटा, क्या है एडवर्ब फ्रेज है हमारा नंबर थ्री एडवर्ब, ठीक है हमारा एडवर्ब है बेटा, पहले एडवर्ब उसके बाद एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब वाले कौन से अल्फाज हैं, कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है ना, कई ऐसे वर्ड्स हैं। देखें एडवर्ब्स देखें जैसे बेटा देखें जेंटली ये एडवर्ब आपका, ठीक है, या मिसाल के तौर पर सक्सेसफुली, काफी है इसमें मैं दो तीन अल्फाज ज्यादा लिख लेता हूं क्योंकि आपको पता नहीं पड़ेगा कि एडवर्ब्स हैं या नहीं, ठीक है, कौन से अल्फाज हो सकते हैं हमारे, कौन से एल वाई वाले ज्यादा होते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया अपनी क्लास के दौरान, ठीक है, जेंटली हुआ, सक्सेसफुली हुआ, स्लोली हो सकता है, ठीक है बेटा, स्लोली हो सकता है। तो ऐसे कई अल्फाज हैं जो के एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जिनके साथ हम एल वाई इस्तेमाल करते हैं, या टाइम वाले अल्फाज होते हैं
देखो बेटा टाइम वाले होते हैं उनमें एल वाई नहीं होता, जैसे येस्टरडे वगैरह होता है या इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून होता है, मतलब टाइम वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। टाइम वर्ड्स जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, येस्टरडे इन द आफ्टरनून वगैरह, तो मैं टाइम वर्ड्स करके लिखता हूँ। तो ये आपके एडवर्ब्स हुए। अब ये एडवर्ब्स हुए, अब ये एडवर्ब फ्रेज तो नहीं हुए, क्योंकि एक एक वर्ड को आप फ्रेज तो नहीं बोलेंगे। जो एक एक वर्ड होगा ना बेटा, आप उसको फ्रेज थोड़ा लेंगे। फ्रेज क्या होता है, हमें क्या सीखना है, एडवर्ब फ्रेज सीखना है बेटा, हमें क्या सीखना है, एडवर्ब फ्रेज इस्तेमाल करना है। अब एडवर्ब फ्रेज कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे नाउन के साथ आपने ऐसे अल्फाज चूज किए जो नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहे थे। देखिए नाउन एक तो एक ही वर्ड होता है, लेकिन नाउन के साथ और कौन से मेंबर्स हैं जो इस्तेमाल हुए, जिन्होंने उस नाउन को फ्रेज बनाया, ग्रुप बनाया, ठीक है ना। इसी तरीके से एडजेक्टिव में भी हमने देखा कि एडजेक्टिव के साथ हम कौन से अल्फाज रखे या रखे हमने जो एडजेक्टिव फ्रेज बना। और अब इधर देखें हमें एडवर्ब्स के साथ अल्फाज इस्तेमाल करने, बेटा एडवर्ब के साथ, एक एडवर्ब एडवर्ब के साथ, देखो एडवर्ब के साथ क्या इस्तेमाल होता है, आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी ना कि एडवर्ब में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एडवर्ब के साथ एक तो हम एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, देखिए एडवर्ब के साथ जो रिक्वायर्ड यानी वर्ड्स होते हैं फ्रेज बनाने के लिए वो एडवर्ब्स खुद होते हैं। एक तो एडवर्ब्स खुद होते हैं, एडवर्ब्स खुद इस्तेमाल करते हैं, मतलब दो एडवर्ब्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। दो एडवर्ब्स एक साथ इस्तेमाल हो गए समझ लो कि ये फ्रेज हो गया, एडवर्ब्स आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या डिटरमिनेंट्स इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो आप डिटरमिनेंट्स इनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये आपका एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यानी इन वर्ड्स के साथ, लेकिन ये वर्ड्स खुद नहीं लगेंगे, खुद इस्तेमाल हुए तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फाज खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हमने इस्तेमाल किया तो ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप देखें शी, ठीक है, शी डांस्ड, बेटा देखो शी डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, ठीक है, शी डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल वे। तो देखो ये आपका पूरा क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया, कहां से, ये इन अ ब्यूटीफुल वे, यहां से जो है वो पूरा ये एडवर्ब फ्रेज बन रहा है, वे हाउ डिड। अच्छा दूसरी बात देखो, एडवर्ब फ्रेज के अंदर कुछ और बातें जो हम इन अल्फाजों के सिवा भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप एडवर्ब फ्रेज के अंदर ये क्वेश्चन करें, आप हाउ का क्वेश्चन करें, वेन का क्वेश्चन कर सकते हो, वेयर का क्वेश्चन कर सकते हो, यानी इससे मुराद मैनर वाला कोई वर्ड अंदर नजर आएगा, इससे मुराद टाइम वाला वर्ड नजर आएगा, और वेयर से मुराद आपको प्लेस वाला कोई वर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से शी डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, अब ये हाउ का एडवर्ब फ्रेज है, डांस्ड हाउ डिड शी डांस, शी डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल वे। तो आप देखें यानी ये इस तरीके से, यानी आपने इस्तेमाल किया या स्ट्रक्चर्स बनाई ना, तो ये मतलब एडवर्ब फ्रेज बन गए बेटा, क्या बन गए, एडवर्ब फ्रेज बन गए, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज बन गए। दे सिंग इन अ ब्यूटीफुल वे, देखो मैनर वाले हम बात कर रहे हैं, दे सिंग इन अ ब्यूटीफुल वे, इन अ ब्यूटीफुल वे, ठीक है बेटा, ये इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते, यानी दे सिंग ब्यूटीफुल इन अ वे, बेटा फिर अगर देखो नाउन वगैरह डिटर्मिनर ये लगे हुए तो हम एडवर्ब के साथ खाली जो अकेला एडवर्ब होता है ना उसके साथ डिटर्मिनर नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे, देखो दे सिंग इन इन अ ब्यूटीफुली, एडवर्ब खुद नहीं आएगा, ब्यूटीफुली वे, तो देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि वे जो है वो नाउन है, वे नाउन आया, देखो ये डिटर्मिनर आया, तो नाउन और डिटर्मिनर देखो नाउन के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटीफुल या कोई और एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। तो आप इनमें से कोई ना कोई वर्ड कैरी करेंगे, या टाइम वर्ड्स भी कैरी कर सकते हैं, एडवर्ब्स के टाइम वर्ड्स भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, तब ये जो आपका दुरुस्त होगा, ठीक है बेटा, तब ये दुरुस्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, आई विल सी यू, देखो बेटा आई विल सी यू, ओके आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, देखो बेटा टुमारो मॉर्निंग, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। अब आप देखो एडवर्ब फ्रेज है इसमें नहीं है, बिल्कुल एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा है, देखो ये दो अल्फाज पड़े, टुमारो एंड मॉर्निंग, देखो दो हो गए, दोनों टाइम वर्ड्स है, इसीलिए आपका ये यानी एडवर्ब फ्रेज हो गया, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया आपका। तो बेटा देखो ये डिटर्मिनर भी लगा हुआ है इधर, देखो डिटर्मिनर लगा,
ठीक है, दो एडवर्ब्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दो एडवर्ब्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें ना तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, ठीक है, यानी वेरी स्लोली आप देखो, शी शी वॉक्ड, बेटा देखो शी वॉक्ड वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, देखो ये भी एडवर्ब हुआ और ये भी एडवर्ब हुआ, दोनों एडवर्ब हुए, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। देखो अब सारे मैंने इस्तेमाल कर लिए, यानी अगर दो एडवर्ब्स इस्तेमाल होते, दो एडवर्ब्स यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री या कोई भी एडवर्ब अगर दो साथ इस्तेमाल होते हैं, तो दो जाहिर है हमें फ्रेज के लिए अल्फाज कितने चाहिए, दो चाहिए बेटा, तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। तो आप देखें दो अल्फाज जिस जगह भी आपको नजर आ रहे, ये देखो डिटर्मिनर आ गया, ठीक है ना, ये डिटर्मिनर आ गया और ये मेनर को महसूस कर मतलब फील करवा रहा है, क्योंकि एक्शन वर्ब है और उसके बाद इन ब्यूटीफुल, ये नाउन पढ़ा है वे या मेनर, बेटा जब इस्तेमाल होगा वे या मेनर लफ्ज जब भी इस्तेमाल होगा ना, तो उसके साथ आप एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो फंक्शन करेगा वो फंक्शन एडवर्ब फ्रेज का हो जाएगा, तो इन अ ब्यूटीफुल वे या मेनर, ठीक है ना, आप लिख में वर्ड आप मेनर भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ये मेनर हम हाउस से शो करते हैं, टाइम हम वेन से शो करते हैं, वेयर मतलब प्लेस को शो करता है, दे सिंग इन अ ब्यूटीफुल वे, देखो ये होगा जो हमने अच्छा टाइम वाला पढ़ा है, देखो आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, देखो दो अल्फाज आ गए तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। इसी तरीके से वॉक वेरी स्लोली, टू स्लोली आप जो इस्तेमाल करें, ठीक है, ये दोनों एडवर्ब्स आ गए, तो ये एडवर्ब फ्रेज इस तरीके से, यानी ये अल्फाज आप जो रिक्वायरमेंट पढ़ी है ना बेटा, ये रिक्वायरमेंट आप ऐड करेंगे, एडवर्ब्स ऐड करेंगे, डिटर्मिनर्स आप ऐड करेंगे, ठीक है ना बेटा, ऐसे अल्फाज अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। सिर्फ मेनर वाला जो है, सिर्फ मेनर वाला जो एडवर्ब एडजेक्टिव है, मेनर वाला जब आप बनाएंगे मेनर में, ठीक है ना, यानी मेनर वाला फ्रेज जो होता है बेटा, यानी फ्रेज ऑफ मेनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मेनर, देखो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मेनर जो होता है, उसमें आपको शायद कुछ क्वेश्चन हो रहे हो आपके, मैं उसका बता देता हूँ, तो उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जैसे आप देखें इन प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस हम वे वर्ड उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मेनर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली ये होता है, तो ये भी जो होगा ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मेनर होता है, ये हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो देखो हम यानी जो एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं वो इस तरीके से। तो पहले बेटा देखो मतलब कोई भी एडवर्ब होगा उसके साथ दूसरा एडवर्ब ऐड करेंगे तो भी फ्रेज बन जाएगा, डिटर्मिनर जो है वो खाली एडवर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आपने इस्तेमाल किया ना, जैसे बेटा देखें अ जेंटली, बेटा ये अ जेंटली, बेटा देखो ये कभी नहीं इस्तेमाल होगा, अ जेंटली जो है वो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब के साथ डिटर्मिनर खाली के साथ नहीं होगा, जब तक उसके साथ नाउन वगैरह नहीं होगा ना सपोर्ट में, तब तक वो नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा, नहीं इस्तेमाल करें, हमने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वे लफ्ज देखो नाउन पढ़ा है या मेनर पढ़ा है, क्योंकि डिटर्मिनर इस्तेमाल ही नाउन के साथ होते हैं, तो ये फ्रेज है ना इसीलिए कहलाता है। तो होप दैट आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो एडवर्ब फ्रेज इस तरीके से बनते हैं, समझ में आया आपको, कोई ऐसी बात तो नहीं है, वो एडवर्ब फ्रेज में कोई इशू तो नहीं हो रहा आपको, ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा उसके बाद देखिए बेटा ये हमारे तीन देखो फ्रेजेस हो गए, ठीक है, कितने फ्रेजेस हो गए, तीन फ्रेजेस हुए। उसके बाद देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन किसके साथ इस्तेमाल होता है, एक तो प्रेपोजिशन होना चाहिए, भी प्रेपोजिशन कौन सा है, प्रेपोजिशन वर्ड्स देखो, प्रेपोजिशन जो है वो कौन से अल्फाज है, इन प्रेपोजिशन हुआ बेटा, एट प्रेपोजिशन हुआ, विद प्रेपोजिशन हुआ, अच्छा फ्रॉम देखो प्रेपोजिशन हुआ, ऑफ प्रेपोजिशन हुआ, अंडर प्रेपोजिशन हुआ, बेटा बहुत सारे अल्फाज है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ये सारे। अब प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन अकेला इस्तेमाल नहीं होता, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तब यानी वो फ्रेज बनेगा, अब फ्रेज तो है नहीं,
मैंने कहा अकेले कोई चीज फ्रेज नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अकेला वर्ड भी फ्रेज होता है। बेटा वो टाइम वर्ड्स वगैरह होता है, जैसे येस्टरडे जुमला खत्म हो जाता है, आगे लगता नहीं है। तो देखिए प्रेपोजिशन यानी एक है, हम क्या करेंगे एड कौन सा करेंगे, यानी आप इनके साथ ऑब्जेक्ट एड करें। क्या एड करेंगे? ऑब्जेक्ट एड क्या करना है प्लीज, एड करें। एड क्या करें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आता है प्रेपोजिशन के, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, यानी ऑब्जेक्ट से मुराद ये होता है, नाउन रखें ऑब्जेक्ट में या बेटा क्या रखें प्रोनाउन रखें, नाउन रखें या प्रोनाउन रखें, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन रखेंगे तो वो आपका अब प्रेपोजिशन इनके साथ लगाए प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गए। बेटा ये जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए ना, आप इन ये जो ऊपर प्रेपोजिशन है ये नाउन या प्रोनाउन से रखेंगे साथ, ये फ्रेज हो जाएगा। बस इनमें से कोई भी वर्ड रखेंगे मतलब मुनासिब हो। यहां तक देखें फॉर एग्जांपल आप देखें फॉर मी, प्रीपोजिशन हमने कोई इस्तेमाल किया, फॉर आप इस्तेमाल करें, आप बोलेंगे सर फॉर तो है नहीं, बेटा मैंने डॉट दिए सारे थोड़ी लिखे, ठीक है फॉर लिख लेते हैं और भी आएंगे। जैसे आप देखें फॉर मी, ये मी देखें क्या ऑब्जेक्ट इधर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन है, सही है। अब ये हो गया आपका फ्रेज, ये कौन सा फ्रेज हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है बेटा प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमने क्या कुछ भी नहीं हुआ, बस ये पढ़े और ऑब्जेक्ट हमने रखा, अब नाउन रखें या जो भी रखें आप देखें तो ये जो है वो अच्छा। वी लर्न फ्रॉम बुक्स, देखो वी देखो बेटा वी लर्न फ्रॉम फ्रॉम बुक्स, मुझे बताओ इसमें कौन सा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, बताओ। वी लर्न फ्रॉम बुक्स, आधा तो सेंटेंस खत्म, आधा कैसे, मैंने पहले आपको एलिमिनेशन वाला बता दिया है, ये के सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा, खत्म कर दो फ्रेज में नहीं आ रहा, ये नहीं आया, बाकी क्या बचा, बस वो तो अल्फाज ही, तो भाई एक प्रीपोजिशन फ्रॉम और बुक्स आप, यानी अब नाउन आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो ये आपका हुआ प्रीपोजिशन, ये आपका क्या हुआ बेटा प्रीपोजिशन, और ये प्लस नाउन यानी जो कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा, बराबर किसके हुए, बराबर हुए बेटा ये प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बराबर हुए। देखो अब कौन सा मसला है मुझे बताओ, अभी भी अगर आप बोलते हो हमें समझ में नहीं आता तो अब प्लीज मुझे बताएं कौन सा मसला है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लगाएं यानी ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन लगाएं ये इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें शी इज इंटरेस्टेड, बेटा देखो शी इज इंटरेस्टेड इन, ठीक है शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग। अब इधर आप बोलेंगे सर कौन सा नाउन वगैरह हमें पता नहीं है, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, बेटा जब नाउन नहीं होता ना तो प्रीपोजिशन खुद नाउन बनाता है, किसी को वर्ब को बोलता है भाई आप वर्बल नाउन बन जाए, जेरेन बन जाए, तो देखिए जेरेन बन, जेरेन एक वर्ड इधर अकेला है एक है, तो ये अब ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों मिलाकर, हाँ वो मैं वापस बता दूं आपको, ठीक है बेटा देखो शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, अब ये क्या हुआ आपका, यानी ये हुआ यानी इन और रीडिंग, देखो दोनों है, दो अल्फाज है कम से कम फ्रेज के अंदर दो, तो ये आपका हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। तो आपकी मर्जी जो इस्तेमाल करें, ये रीडिंग जो है बेटा इधर रीडिंग जेरेंड के तौर पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये देखो, तो देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से आप अगर मतलब कोई भी वर्ड लिखें, जो वर्ड दिए हुए होते हैं उनमें से एक वर्ड लेकर आप अटैच करें फ्रेज, बस पेस्ट करें, पेस्ट तो कर सकते हैं नहीं, वो फ्रेज हो जाता है। अच्छा अब कौन सा मसला हुआ है, शायद आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि एडवर्ब फ्रेज में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ये हुए एडवर्ब फ्रेज, देखो मैंने पढ़ा दिया बेटा, बेटा एडवर्ब फ्रेज के अंदर क्या होता है कि एडवर्ब्स, दो एडवर्ब्स अगर साथ लगेंगे तो भी एडवर्ब फ्रेज, दो टाइम वाले वर्ड्स लगेंगे तो भी एडवर्ब फ्रेज, अगर एडवर्ब आप मतलब मेनर वाला होता है उसमें एक थोड़ी सी यानी स्ट्रक्चर बनानी है और कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर बनानी है जो मैंने आपको दे दिए कि इन इस्तेमाल करें या कोई भी प्रीपोजिशन, जरूरी नहीं है इन विद भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, बाय दिस वे हम कहते हैं बाय दिस वे, शी हैज लर्नड बाय दिस वे, वे मतलब तरीका अंदाज, बेटा मेनर का जो मतलब वर्ड आता है वो एडवर्ब में आता है, जिसका मतलब अंदाज तरीका करने का, काम करने का, एक्शन करने का,
उसको हम कहते हैं। तो वो आप या तो डायरेक्ट एडवर्ब लगाएंगे तब लगेगा, तो डायरेक्ट एडवर्ब लगाएंगे एक होगा ना, एक फ्रेज तो नहीं होगा, हमें दो अल्फाज करने पड़ेंगे। दो करने पड़ेंगे ना तो हमें देखो ये इस तरीके से, यानी इनको एडजेक्टिव में लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, शी स्पोक जेंटली, मैं इधर देखता हूँ एक और एग्जाम्पल, मैं डस्टर देख रहा हूँ, देखो ये इधर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, जेंटली वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, क्या जेंटली, जेंटली फ्रेज में इस्तेमाल करना है। आप खुद देखो, शी स्पोक जेंटली, भाई एडवर्ब फ्रेज हुआ, एडवर्ब का फ्रेज हुआ या नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि एडवर्ब अकेला पड़ा है तो फ्रेज कहां से होगा, नहीं होगा ना, तो आप इसको एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे। जाहिर है या तो आप करें शी स्पोक वेरी जेंटली, एक तो आपके पास तरीका ये, यानी एक तो ये हुआ, देखो बेटा शी स्पोक वेरी जेंटली, हाँ ये हुआ शी स्पोक वेरी जेंटली, एक तो ये हुआ आपका एडवर्ब फ्रेज, मतलब दो अल्फाज हो गए आपके, ठीक है। या तो दूसरा ये के मतलब जो अंदाज है भाई, कौन सा अंदाज है बोलने का, जेंटली है, जेंटली, तो उसको आप अपने अल्फाजों में बना के लिखें, लेकिन वो होगा फिर भी फ्रेज, क्योंकि ज्यादा अल्फाज हो जाते हैं, तो आपको देखें ये होना पड़ेगा, शी स्पोक इन अ जेंटल वे, इन अ जेंटल वे, अब ये पूरा फ्रेज हो गया। देखो ये फ्रेज हमें तो ग्रुप चाहिए ना अल्फाजों का, तो डिटर्मिनर जो लिखा हुआ है ना, डिटर्मिनर देखो इस तरीके से इस्तेमाल होगा, ए या मतलब कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कोई डिटर्मिनर देखो इस तरीके से। तो ये बेटा आपको ये चीजें जहन में रखनी है, कुछ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करें, देखें, मैंने तो ये सब कुछ आपको दे दिया है, अगर समझ में नहीं आता कल दोबारा मैं रिव्यू करवाऊंगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं वापस जो है वो बताऊंगा, ठीक है ना। अब आप देखें स्ट्रक्चर ये सारी आपके सामने पड़ी हुई, कुछ आप प्रैक्टिस करें, जुमले को सीखें, ध्यान दें, आप जो एक मतलब सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस देखें, तीसरा देखें, फिर अल्फाजों के जो वो यूज देखें कि वो अल्फाज किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि डिटर्मिनर नहीं आ रहा, एडवर्ब नजर, बेटा ये दो एडवर्ब्स पड़े इधर, ये दो एडवर्ब्स पड़े इधर, ठीक है, ये मेनर वाला मैंने अलग बताया, उसकी स्ट्रक्चर मैंने दे दी, ठीक है। आप ये सारे अल्फाज लगाकर फ्रेज बना सकते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज हो उनको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो वो नेक्स्ट जो पेज है उस पे हम जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम जो नेक्स्ट बेटा पढ़ेंगे वो है जेरेंट, जेरेंट ये हमारा नेक्स्ट है बेटा। मैंने सिर्फ जेरेंट लिखा है, फ्रेज नहीं लिखा, मैं शुरू में लफ्ज ही एक लिख रहा हूं, फ्रेज लिखता नहीं हूं, फ्रेज तो आप बना रहे हो, देखो कितना आसान हो गया है। सुबह ये होता है ना, आप नींद होती है तब मेरे ख्याल में आपको समझ में बातें कम आती है, ठीक है, अब नींद तो है नहीं मेरे ख्याल में, तो इसीलिए हर बात देखो आराम से आप पिकअप करें, ऐसा है या नहीं, सही बताएं, जवाब दें प्लीज। तो जेरेन मैंने वर्ड एक लिखा है, देखो अब जेरेन क्या होता है, देखो बेटा वो प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है, देखो प्रोग्रेसिव फॉर्म जो होता है बेटा, प्रोग्रेसिव फॉर्म को हम जेरेन कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ये एड करें, अब ये आपका जेरेन हो गया, ये बेटा जेरेंड का फॉर्म हुआ, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जेरेंड का फॉर्म हो जाएगा। अब यानी आप देखो, आपके पास रीड है तो आप रीडिंग कर रहे हो, जेरेंड हो गया, ठीक है, आपके पास क्या है, डू है तो आप यानी ड्राइंग लिख रहे हैं, जेरेंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से कई ऐसे अल्फाज है, वाक है तो आप देखो जेरेंड लिख रहे हैं, क्या वाक हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया। स्पीक है तो आप स्पीक के साथ क्या लिख रहे हो, स्पीकिंग लिख रहे हो, तो मतलब आई एन जी इंग फॉर्म आप एड करेंगे बेटा तो वो आपको क्या नजर आएंगे, वो जेरेंड वाले फॉर्म नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप जेरेंड के यानी बनाएंगे क्या, एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे, सॉरी फ्रेज बनाएंगे लेकिन जेरेंड के फ्रेज बनाएंगे। अब एक वर्ड तो बना, अब ये जेरेंड थोड़ी हुआ, ठीक है, ये तो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जेरेंड नहीं हुआ। जेरेंड कब होगा, जब इसके साथ आप मजीद दूसरे अल्फाज एड करेंगे तब बनेगा। तब तक अब देखें ये क्या, रीडिंग इज, देखो बेटा मैंने इस्तेमाल किया, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट बेटा, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है। अब इसमें जेरेंड है, मतलब जेरेंड फ्रेज है या नहीं है बेटा, जेरेंड फ्रेज है इसमें, देखो इसमें जेरेंड फ्रेज है, बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर जेरेंड फ्रेज नहीं है बेटा, जेरेंड फ्रेज नहीं है,
खाली हमने जेरेंट इस्तेमाल किया, खाली क्या इस्तेमाल किया है, जेरेंट वर्ड इस्तेमाल किया ये, और फ्रेज इसके अंदर है भी नहीं बेटा, फ्रेज इसके अंदर नहीं है बेटा। हमने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, खाली वर्ड्स इस्तेमाल किए, लेकिन हमने जेरेंट वर्ड्स जो वो इसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं किए, इसीलिए जेरेंट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब फ्रेज कैसे बनेगा भाई, इसके साथ भी जो अल्फाज होते हैं जेरेंट के साथ भी जो इसके वर्ड्स होते हैं मॉडिफायर्स क्वालिफायर्स जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो यानी वो जेरेंट फ्रेज बन जाएगा, वो इस्तेमाल करेंगे ना तो बन जाएगा, यानी जेरेंट एज ए नाउन इस्तेमाल होगा, जेरेंट एज ए नाउन। अब कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जेरेंट जेरेंट फ्रेज कब होगा बेटा, देखो आप इसके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ड्स ऐड करेंगे सर, तो मतलब ये जेरेंट फ्रेज बन जाएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे, एक ये हुआ। वर्ब्स देखें, वर्ब्स वर्ब्स दैट देखो, वर्ब्स जो अल्फाज इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज बेटा इनके साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप वो इस्तेमाल करेंगे तो भी देखें जेरेंट बन सकता है। वर्ब्स जो होते हैं ना, मैंने आपको लिखा है जैसे स्टॉप, जैसे एंजॉय, जैसे अप्रिशिएट, अलग अल्फाज आपने जो बोला मैंने आपको स्क्रीनशॉट, तो इस तरीके से भी आप देखो वो आपका जेरेंट बन सकता है उन अल्फाजों के साथ, ठीक है ना, तो वो अल्फाज आपको लिखने पड़ेंगे बेटा। वर्ब्स दैट कैरी, वर्ब्स दैट टेक ing forms, उसके साथ आप एड करेंगे तो भी बेटा देखो क्या क्या बन जाएगा, यानी ये बन सकता है आपका जेरेंट बन सकता है, और ये एज ए नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, नाउन के तौर पर, ठीक है, नाउन्स के तौर पर यूज्ड एज जेरेंट जो इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड एज क्या बेटा, यूज्ड एज नाउन्स, नाउन के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी यानी ये जेरेंट्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो भी ये जेरेंट्स हो जाएंगे। अब आप देखो हम एग्जांपल प्रीपोजिशन वाला एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें ही इज, देखो ही इज कीन ऑन, देखो बेटा ही इज कीन ऑन लर्निंग, ओके ही इज कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, देखो बेटा ही इज कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, तो देखो ऑन लगा प्रीपोजिशन इसीलिए जेरेंट इस्तेमाल हुआ है। अब फ्रेज कौन सा हुआ, फ्रेज ये हो जाएगा ही इज कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, ये आपका जेरेंट फ्रेज हुआ बेटा, ये आपका जेरेंट फ्रेज हुआ, प्रीपोजिशन नहीं मिलाएंगे, अगर वो मिलाएंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज तो बनेगा ऑन लगाएंगे साथ लेकिन फिर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, लेकिन हमें जेरेंट फ्रेज निकालना है। देखो ऑन लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश, देखो ये हुआ शी इज कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, देखो ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यानी प्रीपोजिशन के साथ हमने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, प्रीपोजिशन के साथ। अच्छा वर्ब्स आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अच्छा वर्ब्स आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देखें दे स्टॉप्ड, बेटा देखो दे स्टॉप्ड मी डूइंग, देखो दे स्टॉप्ड मी डूइंग या राइटिंग या जो भी इस्तेमाल करें, डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क, ये आपका क्या बना, ये आपका जेरेंट फ्रेज बना, जेरेंट फ्रेज। पहले हमने अकेले अल्फाज लिखे, देखो जेरेंट फ्रेज कैसे बेटा, जाहिर है आपको ऐसा यानी सेंटेंस के अंदर कोई सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट तो पैदा करना पड़ेगा ना, तब देखो वो जेरेंट का माहौल या जेरेंट का सेंस उसमें से आएगा। प्रीपोजिशन लगा तब जेरेंट आया, फिर आगे वर्ड आया, दो अल्फाज हो गए, आप देखो ये हो गया जेरेंट फ्रेज हो गया, ये देखो जेरेंट फ्रेज, मतलब इस तरीके से ये वर्ड्स आप साथ इस्तेमाल करेंगे तब जेरेंट हो सकता है आपका। यूज्ड एज नाउन्स, ये नाउन्स है, देखो ये नाउन, नाउन के तौर पर ये सारे नाउन्स है, जेरेंट मतलब नाउन है बेटा, इधर भी नाउन है, ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, और आप शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप देखिए बेटा शुरू में भी आप वॉकिंग, देखो वॉकिंग इन, देखो वॉकिंग इन लेयर टाइम, वॉकिंग इन लेयर टाइम इज is क्या बेटा, walking in layer time is a joy, ठीक है, walking in layer time is a joy, ठीक है, आप देखें walking in layer time is joy बेटा, तो हमने देखो इस्तेमाल कर लिया, यानी walking in layer time, ये हमारा पूरा क्या बना, ये पूरा हमारा बना यानी gerund phrase बन गया,
वॉकिंग, देखो इसको स्पेल सही करें बेटा, वॉकिंग इन, देखो अब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, वॉकिंग इन लेयर टाइम इज जॉय, तो बेटा देखो ये जेरेंड फ्रेज, ये जेरेंड आया, जेरेंड खुद हेड वर्ड आना चाहिए, फिर वॉकिंग इन लेयर टाइम, देखो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लर्निंग इंग्लिश को डिस्क्राइब कर रहा है, डूइंग वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये नाउन के तौर पर अल्फाज आ रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, देखो ये हुआ, ठीक है ना, स्पीकिंग इन द क्राउड, देखो स्पीकिंग बेटा, देखो स्पीकिंग इन द क्राउड, स्पीकिंग इन द क्राउड इज क्वाइट डिफिकल्ट, इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो शुरू में भी इस्तेमाल होंगे, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, आपकी मर्जी इनकी पोजीशन जो भी रखें, लास्ट में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, शुरू में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे भी आप इस्तेमाल करें ना आप कर सकते हैं। अब देखो ये आपका जेरेंड फ्रेज हुआ, ये आपका जेरेंड फ्रेज हुआ, कैसे फ्रेज हुआ, आप देखें जेरेंड के साथ, जेरेंड इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, आगे जो अल्फाज है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको जेरेंड फ्रेज कहते हैं, ठीक है, स्पीकिंग इन द क्राउड इज क्वाइट डिफिकल्ट बेटा, ये तो हर एग्जाम्पल के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है, आपको कोई है तो मसला बताएं प्लीज। देखें पहले मैंने आपको दिया क्या, जेरेंड किसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म को, ऐसे ये स्ट्रक्चर है, ये पूरे अल्फाज हुए, ये जेरेंड खुद वर्ड हुआ, जेरेंड नाउन के तौर पर, मतलब दूसरे अल्फाजों में हम इसको नाउन भी कहते हैं, ये नाउन भी मतलब हम उसको कहते हैं, ठीक है बेटा, ये हुआ, मैंने एग्जाम्पल जेरेंड का दिया है, बनता कैसे है ये जेरेंड, मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ जेरेंड, भाई प्रेपोजिशन लगाएंगे तो भी जेरेंड बनेगा, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे उनके साथ आप, मैंने वर्ब्स वगैरह सारे दे दिए बेटा, आप लिखना जरूरी नहीं, उनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो भी जेरेंड बन जाएगा, नाउन्स के तौर पर ये इस्तेमाल होता है खुद, जो मैंने उधर दिया है। अब एग्जाम्पल देखें, कम अज कम दो दो अल्फाज होने चाहिए, लर्निंग इंग्लिश, देखो देखो ही इज कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश इन क्लास, आपकी मर्जी भले आगे एड कर दें, ही इज keen on learning English in class, पूरा ये gerund phrase हो जाएगा, they start me doing the work in the sun, in the field, आगे आपकी मर्जी भले लगा लें, walking in layer time is joy, मतलब जो भी आप करें, देखो तो head कौन सा बन रहा है, देखो ये देखो head बन रहा है, इस phrase सबका head जो बन रहा है वो gerund बन रहा है, तो ये बेटा gerund phrase हुआ total आपके सामने, खुद भी ये और वो आप सब आपस में मिलाकर स्टडी करना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे मतलब नजर आया तो मैं कोई शेक नहीं कर रही, नहीं बेटा कीन के साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं, ऑफ इस्तेमाल नहीं करते, ये आपको लग रहा होगा कि मतलब मैंने ऑन इस्तेमाल किया है, हम ट्रांसलेट करते हैं ना, हमारी ट्रांसलेशन में जो बात आती है हम कहते हैं वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ट्रांसलेशन से थोड़ा होता है, थोड़ी वो तो फिर हर सेंटेंस हमारा सही हो जाए तर्जुमा करते हम, ठीक है बेटा, ये हुआ आपका जेरेंड फ्रेज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन्फिनिटिव फ्रेज बेटा, देखो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इन्फिनिटिव फ्रेज। अच्छा इन्फिनिटिव फ्रेज से पहले ऐसा मैच होता है जो एब्सोल्यूट फ्रेज है, मैं कहता हूँ वो आपको कंट्रास्ट में बता दूं तो आप जो वो मतलब कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए, ये बाद में हम पढ़ते हैं। देखो कौन सा है, एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज, तो बेटा आप बाकी जो रहते हैं तो हम कल पढ़ाएंगे, कल मैं रिवीजन क्लास लूंगा आपका इंशाल्लाह, ठीक है ना, जो आपकी बाकी चीजें रहती हैं कल भी पढ़ेंगे, और इसी दौरान आपके क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो वो भी मैं जहन में रखकर फिर अगर होता है तो वहां भी वो करेक्शन, मेरे हिसाब से मैंने तो सही पढ़ा लिया है, अब जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हो तो पूछ लेना, भले मुझे मैसेज करना, वो भी बातें ऐड करके, और कल जो इंशाल्लाह हम रिव्यू करवा देंगे, ठीक है, बेहतर होगा इंशाल्लाह।